लेकिन बच्चों, क्योंकि अब मैं माँ के तौर पे बात कर रही हूँ, मेरा बहुत ज़रूरी है कि मैं ये चीज़ें आपके सामने रखूँ। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। खुदा के वास्ते मेरी इस बात को समझो, मैं आज हूँ यहाँ पर, कल नहीं होंगी, लेकिन क्या मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा जुनेद, उसके हाथ में कीलों वाला डंडा हो? आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? मैं आपको बताऊं, 100% सच है। उस दिन मैं CMH गई तो मैंने जो पुलिस वाले वहां पर जख्मी थे, जो रेंजर्स के जवान वहां पर जख्मी थे, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने उनसे पूछा, सबके सरों को पट्टियां बंधी हुई थी, बैंडेज सर थे उनके, और कोई ऐसा पुलिस का जवान, रेंजर्स का जवान ऐसा नहीं था जिसकी हड्डियां ना टूटी हों, जिसका सर ना खुला हुआ हो, जिसकी आंख ना जख्मी हो। तो मैंने उससे पूछा, उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, मैंने उसको, वो SP रैंक का ऑफिसर है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपके सर को क्या हुआ? उसने कहा कि एक मॉब ने मुझे अटैक किया, कीलों वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे मारा, और मेरा, उसकी स्कल फ्रैक्चर थी, उसका ब्रेन डैमेज था। जिस भी एहलकार के पास मैं चल के गई हूँ, उसकी या टांग की हड्डियाँ टूटी हुई थी, या बाजू की हड्डियाँ टूटी हुई थी, या स्कल फ्रैक्चर थी, आंखें ज़ाया हो चुकी हुई थी। क्या बच्चों, मुझे ऑनेस्टली एक बात बताओ, क्या बतौर ए नेशन या यंग जनरेशन जो डिसेंट है, जो एजुकेटेड है, क्या हमें ये चीज़ सूट करती है? और अगर ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, चलो ऐसे मान लो कि ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, और मैं आपको किसी पॉजिटिव चीज़ की तरगीब दे रही हूँ कि हाँ, आपने, आपको ये करना चाहिए, निकलो, आ जाओ, घिराओ कर दो, जला दो, तो फिर सबसे ज़्यादा आगे मेरे अपने बच्चों को खड़ा होना चाहिए। और अगर मेरे बच्चे वहाँ पर नहीं हैं, इसका मतलब है कि वो सेफ़ और ठीक चीज़ नहीं है आपके लिए। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती, और कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा और एक रेंजर्स से मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये हो सकता है कि भाई इधर उधर से कहीं गोली आई हो, पता ना चला हो, तो मैंने कहा कहीं पहाड़ के ऊपर से कहीं से ऐसे एम्बुश हो गया था, किसी गोली की जद में आ गए। उसने कहा, नहीं मैडम, मेरे सामने खड़े होके पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुझे गोली मारी गई। उन दिनों में बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। उनको हमारी IT यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहिए था, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में आके इन बच्चों से मिलना चाहिए था, उनको हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी इंडस्ट्रीज़ का दौरा करना चाहिए था, और वो क्या चेहरा देखकर गए पाकिस्तान का? धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है, और निहत्ते लोग जो हैं, वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी, और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता? ये चेहरा देखकर वो अपने मुल्क वापस गए। तो बच्चों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या पाकिस्तान के लिए आप ये चेहरा चाहते हो? मुझे मुझे जवाब चाहिए। और जुनेद जब डिग्री लेके आया तो मैंने, मुझे बड़ी खुशी हुई उसकी डिग्री देखकर, मैंने उसको बड़ा प्यार किया, लेकिन उस डिग्री, वो डिग्री सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। अगर जुनेद को बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, अगर उसके अंदर ये तफरीक नहीं है कि अपनी जो बात है
वो किसी को गाली दिए बगैर, किसी को नेम कॉलिंग के बगैर, किसी से ज़बान दराजी किए बगैर अगर उसको बात करनी नहीं आती तो ये उसका उसकी डिग्री जो है वो कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं। के हाथ में बंदूक और पत्थर, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हरगिज़ नहीं हो सकता। आप चाहोगे कि आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? तालिबे इल्म पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं, डी चौक में बैठे हुए नहीं। एहतजाज की कॉल देने वाले अपने बच्चों को भी साथ लाएं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का क्या तशख्स लेकर वापस गए होंगे? मरियम नवाज़ की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का पहला इंटरनेट सिटी भी बना रही हूँ, तमाम बच्चों को सिफारिश के बगैर इस्कॉलरशिप दी गई। पाकिस्तान से बाहर तलबा की तालीम के लिए काम कर रही हूँ। इस्कॉलरशिप किसी पर एहसान हरगिज़ नहीं है, सब ने मेरिट पर हासिल की है। अवाम का ये पैसा है जो अवाम पर लग रहा है। अवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था। जो वादा करती हूँ पूरा करती हूँ। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, तालीम के बाद नौकरी ना मिले तो ये भी हुकूमत की नाकामी है। तमाम स्कॉलरशिप 100% मेरिट पर दी गई। मरियम नवाज़ की जानिब से ये भी कहा गया 60% स्कॉलरशिप लड़कियों को मिली हैं। बहुत जल्द होनहार तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम भी लाएंगे। मरियम नवाज़ की जानिब से ये भी कहा गया। उन्होंने कहा कि बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। क्या आप चाहोगे कि आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए सवाल भी किया। तालिबे इल्म पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं, डी चौक में बैठे हुए हरगिज़ अच्छे नहीं लगते। ऐसी बात कर भी दें जो आपको पसंद नहीं आ रही या जो आप पे कंट्रोल करना मुश्किल है, तो उस वक्त अपने आप पे कंट्रोल करो, क्योंकि वो एक एक लफ्ज़ जो आप मुँह से निकालोगे वो उसके इम्पैक्ट आपकी पूरी ज़िंदगी पर होगा। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। तो मैं आपको ये कह रही थी, इसी तरह आपके जो असातज़ाए कराम हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी भी जो इज़्ज़त है, तकरीम है, उनको ऑनर करना है, वो भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। और आखिरी बात मैं करने लगी हूँ और वो ये है कि जैसे आपकी अपनी तरफ ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने की ज़िम्मेदारी है, ऐसे ही आपकी ज़िम्मेदारी अपने माँ बाप की तरफ है, अपने घर वालों की तरफ है, अपनी सोसाइटी की तरफ है, अपने मोहल्ले की तरफ है। लेकिन उस सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने अपने मुल्क के साथ साइन किया हुआ है। जब सोचना पाकिस्तानी बन के सोचना, और जो चीज़ आपके मुल्क के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ये मुल्क है तो हम हैं, अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क को नुकसान हुआ तो हमारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा इस दुनिया में। तो आज जहाँ मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, आसानी लाने के लिए, आपके लिए मौके पैदा करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने के लिए, मैं दिन रात एक कर दूँगी, ये वादा करके जा रही हूँ। आप भी मुझसे वादा करो, हाथ उठा के वादा करो कि कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो आपके मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा। बोलो वादा। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, इस मुल्क का नाम रोशन करो, अपने वतन का नाम रोशन करो, अपनी मिट्टी का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है, पाकिस्तान। गॉड ब्लेस यू ऑल। जब सोचना पाकिस्तानी बनकर सोचना, अगर मुल्क को नुकसान हुआ तो हम सब का नामो निशान नहीं रहेगा। तालिबे इल्मों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुल्क के साथ अहद है। अगर जलाओ घिराओ मुसबत चीज़ है तो अपने बच्चों को लेकर आएँ। बेलारूस के सदर पाकिस्तान से क्या तशख्स लेकर वापस गए होंगे? मरियम नवाज़ तकरीब से खिताब कर रही थी।